तो चलिए आज मैं बनाऊंगी दूध से। देखो मैंने दूध गरम करके और इसको मैं ठंडा करके 1-1.5 घंटे के लिए फ्रिज में मैंने रख दिया है। अब इससे मैं ना ऐन मोटी मलाई निकालूंगी और फिर बनाएंगे इससे हम बटर, उसके बाद हम देसी घी बनाएंगे। ये केवल 1.5 किलो दूध है जिससे मैं मलाई निकालने जा रही हूँ। ये देखो कितनी मोटी मलाई इसमें आई है ये। और जब मलाई निकाल रहे हो ना तो आप ध्यान देना, नेल्स कटे होने चाहिए और हाथ एकदम साफ होना चाहिए, नहीं तो वो नेल्स अगर बड़े होते हैं ना तो नेल्स के अंदर ही सारा मतलब गंदगी हो जाती है उसे। ये देखो इस तरह से जब फ्रिज में रखने से क्या होता है, एंड मोटी सी हो जाती है मलाई। ये देखो कितनी मोटी मलाई है ये देखो, इसको मैं फोल्ड भी कर पा रही हूँ। ये देखो इतनी सारी मलाई निकाली मैंने, मैंने इसमें पहले से ये लगभग 1 हफ्ते की मलाई इकट्ठी कर रखी है। और अब मैं इससे घी बनाऊंगी। अब इधर ये जो साइड में लगा हुआ है ना, साइड में, इसको हम अच्छे से निकाल लेंगे। मैं बहुत दिनों बाद अब वापस आई हूँ क्योंकि मैं बहुत बीमार हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, पर अब कोशिश करूँगी कंटिन्यू बनाने की। तो चलिए मैंने ये निकाल लिया मलाई सारी, साइड रख देती हूँ। अब ये देखो इतनी सारी मलाई है, अब इससे हम बटर बनाएंगे। ये मिक्सी का जार लिया है, पहले इसमें मैंने चम्मच रख रखा था। और मलाई ना एकदम ठंडी होनी चाहिए, अगर गर्म होगी तो बिल्कुल भी बटर निकलेगा नहीं सही से। थोड़ा थोड़ा ही बनाएंगे नहीं तो ये बनेगा नहीं, क्योंकि मिक्सी का जार है छोटा। इसको 2 से 3 बार में मैं बनाऊंगी। मलाई जार में डाल लिया मैंने, अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी। पानी भी ठंडा होना चाहिए, नहीं तो ये गर्म रहेगा ना तो ये पिघल जाएगा, फिर बटर बनेगा नहीं। ये देखो मेरा बटर बन के रेडी हो गया है। अभी मैंने सारा नहीं निकाला क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ। ये देखो, ये देखो इससे ये अलग हो गया, जो पानी पानी था ना वो सारा अलग हो गया है। ये देखो, और मैंने यही दूसरे बर्तन में ये बर्फ़ आइस क्यूब डाल के, चाहे बर्फ़ जो भी है डाल के, मैंने ठंडा पानी ले लिया ताकि ये अच्छे से इकट्ठा रहे। अब इसको मैं हाथ से ही निकालूँगी। ये देखो ये देखो इतना सारा बटर, अब ये ठंडे पानी में डाल दूंगी इसको मैं। सर्दियों में व्हाइट बटर खाना है ना, आप इसी तरह बना के इसको, चाहे सेप अगर देनी हो तो मार्केट में बहुत सारा मिलता है, इसमें उसमें डाल के शेप जैसे बटर मार्केट से मिलता है ना वैसा बना के हम रख सकते हैं। ये देखो कितना सारा, ये मैंने 1 हफ्ते की मलाई इकट्ठा कर रखी है। 1.5 किलो दूध मैं लेती हूँ ना उसी से। अब दूध वाले भैया भी थोड़ा थोड़ा इसमें कभी कभी गाय का मिक्स कर देते हैं, प्योर दूध तो खैर मिलता नहीं है। अब इसी में ही ना मैं जो बाकी और निकालना है मलाई, मैं और पानी नहीं डालूँगी क्योंकि मिक्सी का जार छोटा है ना, तो बाकी मलाई भी मैं इसी तरह सारी सबका बटर बना लूँगी मैं। ये देखो लास्ट भी ये मेरा भी तैयार हो गया। अब सारे बटर मैंने निकाले, ये देखो इतना सारा हुआ ना, अभी इसमें से भी ढेर सारा निकालना है, इसके बाद फिर मैं घी बनाऊंगी। मैंने इसमें से बटर निकाले और जो ये दूध सा बचा हुआ है ना, ये वेस्ट नहीं जाएगा, इसका हम ना जो हम कढ़ी बनाते हैं घर में उसके लिए दही बहुत अच्छी जम जाएगी, तो इसको फेंकना नहीं है बिल्कुल भी।
अब ये सारा मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब इसको मैं थोड़े बड़े बर्तन में डालती हूँ क्योंकि ये बर्तन थोड़ा है। और हाँ, घी बनाते हुए ना जो बर्तन है वो स्टील का होना चाहिए और जो इसका तलवा है वो भारी रहना चाहिए, क्योंकि ताकि घी ना बहुत जल्दी बटर जो है जलता है, जले नहीं, वो आराम आराम से बनाना है। ये देखो, ये एक हफ्ते की मलाई है, कितनी सारी है ये देखो। ये देखो, पहले मैं ना घी बनाती नहीं थी घर में, लेकिन बच्चे मलाई हटा के ही दूध पीते थे, तो फिर मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे मार्केट से बिल्कुल भी घी लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने गैस पे चढ़ा दिया और फ्लेम एकदम लो रखनी है, एकदम लो, क्योंकि ये जलता बहुत जल्दी है और ना इसके पास खड़े होकर ही हमें ये घी बनाना है, नहीं तो ज़्यादा ना जल जाए। ये देखो, धीरे धीरे ये बटर मेल्ट हो रहा है, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि फ्लेम एकदम लो रखनी है। ये देखो, ये कहीं कहीं से पकने भी लग गया। मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा चम्मच से, ये देखो ऐसे जो इकट्ठा है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे चम्मच से, बाकी इसको जब ये पकने लग जाएगा ना अच्छे से, फिर इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, क्योंकि फिर जो नीचे इसके रहता है ना हल्का फुल्का बटर में बचा रहता है, जो दूध वगैरह रहता है थोड़ा बहुत जला रहता है, वो फिर इसमें मिल जाएगा, फिर घी काला काला सा थोड़ा सा हो जाएगा। ये देखो, एकदम बढ़िया वाइट वाइट घी चाहिए। ये गाय का नहीं है, ये भैंस का है, तो इसलिए इसमें एकदम वाइट वाइट सा घी बनेगा। ये अब इसको बहुत इसके पास खड़े रह के ये बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये जलता बहुत जल्दी है। ये देखिए, इस तरह से ना ऊपर आने लगता है, तो इसीलिए इसके पास खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ज़्यादा ऊपर आएगा ना, तो इसको हल्की फूंक मारनी पड़ती है ताकि ये ऊपर ना आए, या तो आप चम्मच से इसको थोड़ा सा ऐसे चम्मच से इस तरह से, ये देखो फिर भी ये नीचे चला जाएगा, या तो जैसे दूध बॉईल होता है ना ऊपर आता है, सेम वैसे ही होता है ये भी। ये देखो, इस तरह से कर दें, अब ये अंदर से घी जो है ना वो पक रहा है। ये देखो, जो घी था ना वो नीचे हो गया और जो इसमें थोड़ा बहुत दूध था ना वो ऊपर आ गया। अब इस स्टेज पे ना इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, पास में ही रहना, क्योंकि अगर ये ज़रा से भी देर हो जाएगी ना तो ये जल जाएगा। अगर आपको घी ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर करना है, मतलब जैसे लगा लो 1 साल 1.5 साल के लिए, फिर तो आप इसको अच्छे से पकाए, लाल हो जाए, जब नीचे का इसका एकदम लाल हो जाए ना फिर तब तक, और नहीं तो इसका भी ये थोड़ा थोड़ा सा जैसे ब्राउन होने लगेगा ना, फिर तभी इसको बंद कर देना है। अब ये इस स्टेज पे ना हम गैस को कर देंगे बंद, क्योंकि नीचे आपको दिख रहा होगा ब्राउन हो गया। अब ये ना बर्तन की गर्मी से ही एकदम रेडी हो जाएगा, अगर मैं ज़्यादा देर और गैस पे रहने दूँगी तो ये एकदम जल जाएगा। मैंने गैस बंद कर दिया, अब इसको मैं इसी पे छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए। ये देखिए, हमारा देसी घी बन के एकदम रेडी है, और आप देख रहे हैं ये नीचे एकदम ब्राउन ब्राउन सा जम गया है, और जो भी था वो सब नीचे हो गया। अब हम घी को आराम से छान सकते हैं। मैंने पहले भी बना के रख रखा, ये देखो घर, ये इतना सारा, ये मैंने पूजा के लिए इसमें से निकाला हुआ है, और मैं ना घर में ही देसी घी बनाती हूँ, और महीने में लगभग 2 से 2.5 kg घी 1.5 किलो दूध से मैं बना लेती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप में से अगर कोई भी देसी घी बनाता है तो वो आप कैसे बनाते हो वो भी बताना मुझे।
देखिए इतना सारा घी इकट्ठा हो गया।